स्वागत है आपके अपना परिवार में। अभी के हम इस वीडियो में बात करेंगे पीजी फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है। पता है मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी अभी जारी कर दिया गया है, लिंक एक्टिव हो चुका है। कैसे आपको चेक करना है, अगर चेक करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। क्या क्या भरना है आपको और कैसे करना है रिजल्ट चेक, इसके लिए पूरी जानकारी हम आपको इस पोस्ट में विस्तार पूर्वक देंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले आप लोग को बता दें मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है वो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया गया है पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो आप लोग को पहले सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आकर के आपको सर्च कर लेना है माधव एनसीईआरटी क्लासेस। जैसे कि हम यहाँ पे सर्च करेंगे जहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा चेक करने का, गूगल पे आकर के सर्च कीजिए माधव एनसीईआरटी क्लासेस। इस चीज़ को आप लोग को भी सर्च कर लेना है अपने फ़ोन में गूगल क्रोम किसी भी साइट पे आकर के, और सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, किसी पर भी क्लिक कर लेना आपको, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट मिले या जो भी मिले, मतलब कि ऐसा आपको पेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये माधव एनसीईआरटी क्लासेस करके पूरा देखने को मिलेगा, तो इसी पर आपको क्या करना है क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ हमने संस्कृत 10th पर किया था, हमारे पास संस्कृत का सब कुछ खुल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। नीचे इधर देख रहे हैं सर्च बटन आपको, ठीक है, कोना में सर्च बटन है, इसी सर्च बटन पे आपको क्या करना है, एक छोटा से क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है LNMU PG, ठीक है। LNMU PG आपको लिख करके और सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे अब आपको नीचे आना, नीचे आएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट देखिए आ चुका है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपको आ जाना है यहाँ पे, सबसे पहले तो दी गई जानकारी को आपको पढ़ के समझ लेना है, समझने के बाद नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा, दो तीन लिंक मिलेगा जहाँ से आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए ये चेक रिजल्ट है, ऑफिशियल लिंक है बिहार पुलिस सीटेट एग्जाम सिलेबस, ये सारी जानकारी है। आपको रिजल्ट चेक करना है तो चेक रिजल्ट पे आपको क्या करना है क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए धड़ाधड़ के यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है, और इस तरह के पेज में आपको क्या क्या भरना है समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको सेशन देना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पर सेशन किस सेशन में आप है, जो भी सेशन है आपका 23 वाला 23 क्लिक कर लेना है। फिर आपको रिजल्ट टाइप देना है, रिजल्ट आपका किस टाइप का रिजल्ट है, तो रिजल्ट टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्शन यहाँ पर छोड़ देना है, यहाँ पर कोर्स टाइप, कोर्स आपका पीजी है पीजी करना है, कोर्स नेम आपका फोर्थ सेमेस्टर है तो फोर्थ सेमेस्टर आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। मतलब कोर्स यहाँ पर नथिंग सेलेक्ट देना है, मतलब कि जो भी यहाँ पर सेलेक्ट आएगा जो आपका है वो आपको भर देना है, सेमेस्टर कौन सा है आपको फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पर दे देना है। और इतना बात भरने के बाद आपको सर्च रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च रिजल्ट पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एक प्रिंटआउट अपने मोबाइल से निकलवा सकते हैं या कंप्यूटर दुकान पे जाकर के। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आगे भी आपको इस तरह की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, वीडियो देखने को मिलेगा। धन्यवाद।